कभी किसी पाकिस्तानी के साथ ना बिजनेस ना करो, ना उसे कोई चीज लो जाके, कि माँ सबसे जरूरी होती है लाइफ में। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटी। तो आज हमारा दिन शुरू हुआ 7 o'clock। नहीं मानता जी, आज छुट्टी वाला दिन, 7 बजे मैं उठ गई। ठीक है, बच्चों ने नहीं उठाया, जो एक बात है, बच्चों ने नहीं उठाया, मैं खुद ही उठ गई। मेरी आंख खुल गई यार, क्योंकि वो आदत ही नहीं रही ना अब सोने की, आदत नहीं है, अब जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ, जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ। तो अभी गाइस हुए हैं 11:20। उल्टा नजर आ रहा था तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो गई है, हमारी अलमारी मैं जो बच्चों के कमरे में वो सही नहीं चल रही, तो अभी हम जा रहे हैं वो सारा सॉर्ट आउट करने के लिए। बच्चों को तो लेके कहीं जाना था, पाक शाक चलते हैं, लेकिन अभी हम जाके अब ये घर की चीज़ें सही करते हैं, तो अभी हम चलें। सो क्यूट, देखा प्यार प्यार कितना है दोनों बहनों में। डू यू लव यू आपी, डू यू लव यू मिमी, आई लव यू गाइस। हेलो भाई। हाँ जी, रेडी? तैयार हो रहा, बस ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बच्चों के साथ आ जाना। चलो ठीक है। हाँ जी गाइस, अब जो जो हमें फॉलो करता है सबको हमारी रूटीन पता है। आई गेट रेडी, आई गो आउट एंड आई वेट। सो इवन टुडे इज नॉट गोना बी अ डिफरेंट डे, आज भी सेम चीज ही होगी। गाइस देखे लंदन में कितना अच्छा मौसम है, यहाँ पे 22-23 डिग्रीज होती है तो हम सब पागल हो जाते हैं, तो आज है 22 डिग्रीज है, तो ये है हमारी लिमिट। बस हल्की हल्की हवा चाहिए। ओह देखा देखा, मैंने हवा क्या, तो साथ कैसे बाल उड़ रहे। ओए ओए ओए, देख लें गाइस, ये देखो सर उधर चले इस तरफ से। हाँ जी बाजी, आ गए आप लोग, स्लीपर्स पहने हुए इतने ना भागो। आए मेरी, देखो हमने डिज्नीलैंड जाना था, हम जा नहीं सके, तो ये वो वाली टी शर्ट है ना। हाँ जी, आज मियाँ और पापा सेम पहने हुए हैं, येलो येलो। सही है, ठीक है जी, चलो लेट्स गो। ये आगे जी इन्फर एक्सचेंज, जहाँ से हमने अलमारी ली थी, अब यहाँ पे जाके हम जरा सॉर्ट आउट करते हैं। देखो गाइस, ऐसे तो मसाज घर के ऊपर होना चाहिए ना, वरना यहाँ पे है 1 pound for 3 minutes, इसको हम उठा के घर ना ले जाए। बात तो सही है। हाँ जी गाइस, हम आगे हैं एक्सचेंज के अंदर, वो दुकान है, देखें वो दुकान है जहाँ पे हमने जाना है, और ये लोग उधर जा रहे हैं। हाँ जी हेलो, किधर जा रहे हो? ये दुकान है एक्सचेंज के अंदर, प्लीज यहाँ पे कोई ना अपना सामान लेने आए, बहुत ही इंतहा से ज्यादा फजूल चीप चीजें और डिस्गस्टिंग कस्टमर सर्विस। जी गाइस, तो अभी बस ये दुकान से हम निकले, अपेरेंटली वो किसी फिटर को भेजेंगे जो आके दरवाज़ा उतार देगा, फिर 3-4 हफ्ते के बाद दूसरा दरवाज़ा भेजेंगे। अल्लाह जाने कि ये क्या कर रहे हैं, बच्चों का कमरा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन चलो आई डोंट नो। कभी किसी पाकिस्तानी के साथ ना बिजनेस ना करो, ना उसे कोई चीज़ लो जाके। जी गाइस, ये आगे हैं क्लेज, बच्चों का फेवरेट दुकान, हम तो अंदर जाते नहीं है, हमने अब बच्चों को अंदर भेज दिया, जाओ देख लो, कुछ लेना तो है नहीं, लेकिन थोड़ी देर देख लो। नेक्स्ट स्टॉप फॉर द किड्स इज द वर्क्स, बस आज तो इनका लगता है पूरा हफ्ता ही ऐसे ही गुजरना है ना। ये सारे बच्चों की किताबें, मैं इनको कह रही हूँ किताबें पढ़ो, किताबें लो, किताबें लो, किताबें लो। वो जी उधर पेपर पिक पढ़ रही है उधर, और मियाँ साहिबा तो पता नहीं क्या करिए, देख लेते हैं गाइस। आप क्या कर रही हो मिमी, क्या है ये? यू किड्स व्हाट हब, क्या? Yeah, you got that. Guys, Ria Mia want to go on this. Yeah? Hello. £3.50 for per person for 4 minutes. Wait, you better make it while, worth my while, okay? Mere paise zaya na karna. Come on, Ria Mia. Come on. You can do it. Let's do this. Come on.
Oh, Riyamia. Look at them. I love this. I love it when my babies are having such a lovely time. Come on, Mimi. Aage jao. Aage jao. Good girl. Yay. Was that nice? Mimi. Yeah, you've done so well. Guys, you need your driver's license now. You draw so nicely. Yay. Come on then. Mere bache, mere kharche. Mera kharcha bacha. Hello. Hi, Mimi. Hello, girlies. Hello, girlies. Hello. Aage, ye bhi kar liye kharche? Kaisa tha? Another driver's license for you guys. Yeah. Chalo then. Okay, now we're gonna go and have coffee. And my frappuccino. Oh, chalo dekhte hain. Okay, okay, fine. Theek hai. Yes, we can. Okay, let's go. Guys, abhi bas hum ye Starbucks mein aake baithe hain. Aami ka intezaar ho raha hai, wo ek dukaan mein gaya. Main kaha chalo wo aa jaye phir hum order karte hain. So, can I get a chocolate frappuccino, please? Yes, please. Yes, no, small. Yes, please. Hanji, guys, so kya kha rahe ho? Croissant. Croissant? On a stick. On a stick. Achha, to French accent mein croissant kaise kehte hain? Croissant. Croissant, nahi. Mimi, do you know? Croissant. Croissant. No, there's no T, it's a croissant. Croissant. French accent mein. Croissant. Ko kehte croissant. Oh, what do you call? Amar aa gaya. Give me my frap. Amar. Like a chocolate frap. Oh, this is my my Americano with hot milk. Then Amir is going to get his latte. How is it, Vivi? A lovely combination. I'm so bad being in charge. Yeah, Mimi. There's a red pepper chicken. That's how rich people drink juice. With the tongue out like that. Guys, तो हम बस हैं स्टारबक्स में कॉफी पी. हाँ जी. अरे कहना क्या चाहते हो? आपको ये हेयर कलर पसंद नहीं है? नहीं. क्यों? Because I only like blonde. You want blonde hair? Baja aram se. Chal, wo choti ho. Blonde baal chahiye. Chal, pee liya? Nahi, lekin maine aapko ek baar batani. Haan, batao, batao. Mujhe apne baal mein blonde stripes chahiye. Aapko bhi highlights chahiye apne baalon mein. Aap dono behnon ka na dimag kharab ho chuka hai. Nahi. Theek hai, mere baal dekho. Main koi blonde karaye ho ya kya aap dono ko blonde chahiye? हाँ जी गाइस, तो हमें वैसे बोलना नहीं चाहिए कि हम यूट्यूबर्स तो तकरीबन 5-6 महीने से हैं, लेकिन उससे पहले हम टिकटॉकर्स थे. ठीक है, तो रिया को माशाल्लाह अवार्ड भी मिला हुआ है बेस्ट जूनियर आर्टिस्ट का. तो मैंने रिया मियाँ को कहा चलो हम ज़रा ना ब्रेक लेके टिकटॉक भी एक बनाते हैं. तो अगर आपने मेरे टिकटॉक के ऊपर भी नहीं फॉलो किया हुआ, आप फ़ौरन से जाके उधर भी फॉलो करें. वहाँ पे है sana_rm यानी कि रिया निया. ठीक है ना, तो उधर भी जाके कीजिएगा और ज़रूर ये वीडियो देखना. तो गाइस, अभी हमने टिकटॉक बनाई है. मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया. आप जाके ज़रूर ज़रूर देखना. ठीक है, अभी हम नानों के घर आ गए हैं. इधर आके थोड़ा सा चिल करेंगे. और जैसे आप सबको पता है कि माँ सबसे ज़रूरी होती है लाइफ में. अगर आपकी माँ अभी तक ज़िंदा है, प्लीज़ प्लीज़ उसके साथ जाके टाइम गुजारें, उसकी दुआएं लें, उसकी खिदमतें करें, क्योंकि ये टाइम कल को चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा और अफसोस ही रह जाएगा. अस्सलाम वालेकुम माँ, क्या हाल है? ओए, क्या हो गया? हे फीवर, इट्स टू मच. हाँ जी गाइस, और मैं सोफे पे आराम कर रही हूँ. बाय, बहुत सारी धूप छूप है, काफ़ी विटामिन डी ले लिया है, तो अभी आराम हम कर रहे हैं. मिमी और मम्मा उधर हैं, ये रिया आ गई है. हेलो. और वहाँ पे आमिर को है फीवर का अटैक हुआ हुआ. अच्छी अच्छी. हाँ जी गाइस, तो अभी हम बैठे हुए हैं गाड़ी में. हम हैं इल्फिनेंट पे. आमिर गया दूध दही लेने के लिए. और ये ऊडल्स से, अगर आपको नजर आ रहा है इधर, उड किधर गया है भाई, एंगल ही नहीं बन रहा. ये ऊडल से
नूडल्स लेने गए, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम घर जाएंगे और बहुत ज्यादा आराम करेंगे जी गाइस। तो अब हम जा रहे हैं घर, अभी तक बहुत ही ज्यादा धूप है लेकिन अब कुछ ज्यादा ही विटामिन डी ले लिया ये पिछले 3-4 दिनों में, और पूरा हफ्ता ही धूप 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 है। लेकिन अभी हम घर जाएंगे और जाके थोड़ा सा चिल करेंगे। बच्चे हमें पहले अंदर चले गए थे, मैं से एक दो काम कर रही थी गाड़ी में बैठ के। तो अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ गाइस देखो, मैं अब इनके कमरे में आ गई, मैं सोचा इनका टीवी देख लूँ। आई लव देयर रूम। टाइम देख ले, 5:05 हैं। मिमी आई, मैं आपके लगी हुई है, आमिर अपना कोई काम कर रहा है रूम में बैठ के। मैं सोचा मैं इधर आके आराम से टीवी शीवी देखूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ जी गाइस, सो अस्सलाम वालेकुम। टाइम हो गया है 9:30 रात के। मैंने अपने बालों पे एक कंडीशनर लगाया, मैं कह चलो ज़रा थोड़ा सा ट्रीटमेंट करती हूँ, कल सुबह उठूँगी तो फिर अपने बाल दूँगी और थोड़ा सा फ्रेश फील करूँगी। थोड़ा सा हल्के से मैंने ट्रिम भी कर दिया था, खुद ही मैं बाल कर लिए, वैसे भी कली बालों का इतना पता नहीं चलता। तो सब ने खाना खा लिया, मम आई हुई हैं घर पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, हमें कोई अपने काम शाम कर रहे थे रूम में। अब यहाँ पे मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद होगी आज का दिन आपको बहुत अच्छा लगा था और हमें भी आज बहुत ही मज़ा आया। सो प्लीज़ प्लीज़ अगर अभी तक नहीं किया जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन टिंग कर लें एंड लाइक कमेंट एंड शेयर, और हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।